ये देखिए जो है कंडे में और थोड़ी छोटी छोटी लकियां हो तो इसका देखिए आप भून के बनाइए बैंगन आलू टमाटर का भरता और फिर गरम गरम रोटी के संग खाइए तो ये बहुत सोंधा और स्वादिष्ट बनता है। देखिए बस इस प्रकार जो है जब लपट सब बंद हो जाए और ये आग बढ़िया चल जाए तो ये एकदम बढ़िया भुन जाता है। तो आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार बनाइएगा और हमारा वीडियो पसंद करिएगा। पसंद करिए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बस इसमें कंडे की ज़रूरत रहती है, कंडा मंगा लीजिए, जहाँ दूध मिलता है वो लोग कंडा भी दे देते हैं। तो बस देखिए आज संडे तो हमने सोचा कि आज बाटी और भरता खाना बनाएंगे। तो ये जो है हमने क्या किया कि बैंगन आलू टमाटर ये सब जो है भून लिए हैं और फिर इसमें बहुत आगी थी तो हमने कहा कि चलो जल्दी से आटा सान के और इसमें बाटी में बना लेते हैं। तो देखिए बस हमारा खाना एकदम बढ़िया तैयार हो गया है। अब इसको हम छील के बढ़िया भरता बना लेंगे और ये बाटी है इसको घी में खाइए। तो इतना हमने क्या किया था कि आटे में जो है ना नमक अजवाइन डाल के और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए और फल बस जो है सान लीजिए कड़ा कड़ा और थोड़ा सा तेल घी जो भी हो आपके पास, सरसों का तेल नहीं रिफाइंड तेल या जो है हम लोग तो तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं तो वही तिल का तेल लगा के हमने मार लिया और ये देखिए बाटी बन गई हमारी और ये बैंगन आलू टमाटर से भुन गया है। अब बस इसमें जो हम धनिया हरा मिर्चा नमक तेल सरसों का सब बना के स्वादिष्ट भरता बना लेंगे। तो हम वही कह रहे थे कि इसी प्रकार आप लोग भी जहाँ से दूध मिलता है, दूध जो भैंस गाय जहाँ दूध दे बेचते हैं वो लोग दूध, तो उनके कंडे मिल जाते हैं 10-20 रुपए के कंडे मंगा लीजिए और इस प्रकार जो है बाटी भरता बनाइए। तो इसका कुछ बात ही दूसरा होता है, एकदम सोंधा भरता बनता है बाटी। तो बस आप लोग भी इसी प्रकार बनाइए और ये हमारा गार्डन है तो यहाँ पे हमने बढ़िया भून लिया है। और बस हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू। ये देखिए हमारा सब भुन गया था ना, अब इसको हमने थोड़ा सा पानी लेके और सब छील डाला तो ये सब छिल गया है, टमाटर छिल गया और आलू बैंगन। और बैंगन हमने मतलब कीड़ा उड़ा देख लेते हैं कि कीड़ा तो नहीं है बैंगन, तो उसमें फिर कीड़ा लगा के थोड़ा थोड़ा और ये लहसुन गाल देते हैं और ये देखिए लहसुन एकदम बढ़िया पक गया और बैंगन भी हमारा पक गया। अब ये सब छील लिया है हमने और इसमें क्या करेंगे कि ये हमने लहसुन और धनिया और हरे मिर्चे तीन चीज की हमने ये चटनी बना ली है तो इसी चटनी को ही थोड़ा सा भरते में डाल देंगे। और ये काट लिया है धनिया की पत्ती, ये ऊपर से बस भरता जब बना लेंगे तो फिर जो है ऊपर से डाल देंगे। और ये है हमारा नमक, ये नमक डाल दिया और थोड़ा सा सरसों भरते में चाहे आलू का बनाइए चाहे बैंगन आलू टमाटर का बनाइए थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाला जाता है तो उससे टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। अच्छा ये हमारा है चटनी, तो इसी चटनी को ये थोड़ा सा डाल देते हैं। इसमें मिर्चा भी है लहसुन भी है हरी धनिया है ज़्यादा सी तो ये डाल दिया। अब इसको क्या करेंगे कि खूब ऐसे ये चम्मच उम्मच से क्रश करने वाले से उतना अच्छा नहीं बनता जितना कि हाथ से आप कर लीजिए। तो हाथ से करिए तो ये देखिए इस तरह से खूब एकदम मींच के और सब चीज़ें एकदम भून के तो ये इतना ये स्वादिष्ट भरता बनता है। और देखिए बाटी भी हमने बना ली है और बस इसके संग जो है हम घर में ही मलाई का क्रीम मंगा के देसी घी बनाते हैं
बाजार का नहीं लेते। तो बस बाटी भरता और धनिया की चटनी, धनिया मिर्चे की, ये आज संडे है और आज का फर्स्ट क्लास खाना हमारा रेडी हो जाएगा। बस तो बाटी भी बन गई है और ये भरता बना के रख देते हैं चटनी। तो इसी प्रकार आप लोग भी बनाइए घर में, बस कंडा मंगा लीजिए थोड़ा सा, और जहाँ खुली जगह हो नहीं तो छत पे बना लीजिए, छत तो सभी के पास होती है, अब बस उसमें बनाइए तो बहुत बढ़िया ये लंच का खाना है। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू।